हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जो बच्चे गेट 2023 यहाँ पे देने वाले हैं। सो PGCIL ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि वो लोग गेट 2023 के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे। इस बार जो PGCIL है वो रिक्रूटमेंट करेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। अगर आप इस बार गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस एंड सिविल वाली ब्रांचेस के अंदर, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस ब्रांच में आपने बीटेक किया होना चाहिए, क्या एज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कब से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। PGCIL की तरफ से भी जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है वो लोग भी जो है गेट 2023 के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की यहाँ पे बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। जो पावर ग्रिड है बेसिकली ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का, वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट ये लोग करने वाले हैं गेट 2023 के बेसिस पे। वैकेंसीज के बारे में अभी तक इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं डाली है, तो वेबसाइट के ऊपर बिफोर रजिस्ट्रेशन एक डिटेल वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन ये लोग पब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर पाएंगे। ठीक है जी, अभी तक केवल ये इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग रिक्रूट करेंगे, किस किस ब्रांचेस के लिए रिक्रूट करेंगे, बाकी कब से एप्लीकेशन फॉर्म है, किस किस ब्रांचेस में आपने गेट का एग्जाम दिया होना चाहिए, ये सारा डिटेल इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके पास है वैलिड गेट स्कोर कार्ड अवेलेबल होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर सिविल के अंदर, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपने गेट का एग्जाम दिया होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करता हूँ तो 31/12/2022 के बेसिस पर आपकी अपर एज जो है 28 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक या फिर बीएससी आपने फुल टाइम, या तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, देखो वहां पे तो गेट के एग्जाम की बात की है, तो अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल में गेट दिया होना चाहिए। एंड आपकी जो बीटेक क्वालिफिकेशन या तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपकी है तो आप इलेक्ट्रिकल से आपने गेट का दिया हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इलेक्ट्रिकल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड थिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने, आपने गेट का एग्जाम इसी में दिया होना चाहिए एंड आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड या फिर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपने बीटेक किया हुआ है और ईसी में आपने गेट का एग्जाम दिया हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिविल, तो सिविल में आपने गेट का एग्जाम दिया है एंड आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी सिविल में है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में आपने गेट का एग्जाम दिया हो एंड कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में आपने बीटेक किया हो विद मिनिमम ऑफ 60%, तो जितनी भी ब्रांचेस है आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से अबव होनी चाहिए। अगर आपका सीजीपीए आता है तो सीजीपीए को कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है बेसिकली 60% से अबव होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो इस बार और गेट देते हैं पीजीसीएल में अप्लाई करते हैं, अगर आपका रिजल्ट जो है वो 14/8/2023 से पहले पहले आ जाएगा तभी आप एलिजिबल होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को 3 ईयर का, SCST वालों को 5 ईयर का, PWD वालों को 10 ईयर का एंड JNK डोमिसाइल को एज पर गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगी गेट के बेसिस पे, जो आपके नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। राइट, शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन एंड यहाँ पे जो वेटेज रहने वाली है, ग्रुप डिस्कशन की 3%, पर्सनल इंटरव्यू की 12% एंड आपके गेट के एग्जाम की जो वेटेज रहेगी वो 85%, तो ओवरऑल जो है आपकी 100% वेटेज रहने वाली है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है जो EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स जो है स्कोर करने जरूरी है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के अंदर आप लोग नहीं स्कोर कर पाते तो आपको वहीं पे आपका मतलब कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं होगा, चाहे आप मेरिट में भी आ रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको इंडिविजुअली इंटरव्यू में जो कट ऑफ रखी है इन्होंने 40% जनरल EWS के लिए, ओबीसी SCST और PWDA के लिए 30% यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बेसिकली रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो है आपको सैलरी दी जाएगी, फर्स्ट 40,000 दी जाएगी,
वन ईयर के लिए जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो पे स्केल है वो ये वाला यहाँ पे रहने वाला है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सर्विस बॉन्ड है, एटलीस्ट 3 ईयर तक आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, उसके लिए 5 लाख का जो सर्विस बॉन्ड रहेगा वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2.5 लाख का जो है यहाँ पे सर्विस बॉन्ड वो जो है रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगे 16 जैन से एंड 18 फेब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपकी फी रहने वाली 500 रुपीज जो है वो फी रहने वाली है। एस सी एस टी वाले एंड जो आपके एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी एक्स सर्विस मैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी फे यहाँ पे नहीं करनी है। तो 500 बेसिकली जो है ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एंड जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गेट के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 30 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट जो वो 7 अक्टूबर है। पावरगढ़ी के एप्लीकेशन फॉर्म 16 जैन से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट जो वो 18 फेब यहाँ पे रहने वाली है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस बार गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफी सारे पीएसयूज यहाँ पे फिर से मैं ये कह रहा हूँ अनाउंस कर चुके हैं। सो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।